हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ यूनिट 5 क्लास 5 का। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस वर्कशीट में जो था वो 10 से डिवाइड करना था, यहाँ पर 100 और 1000 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को। मान लेते हैं 7 एक नंबर है, जिसको क्या से डिवाइड किया गया, पहले 100 से डिवाइड किया गया। अगर 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 7/100, और इसका आंसर आता है कुछ इस तरह का 0.07। तो उस 0.07 को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंथ बोलेंगे, 1/10। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, प्रीवियस वर्कशीट। अब फिर से अगर एक और ज़्यादा जीरो से डिवाइड हुआ, यानी 10 से हो रहा था तो क्या हो रहा था, 0.7, और 100 से डिवाइड हो रहा है तो 0.07 होगा। 1000 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 0.007 हो जाएगा। यानी कि डिवाइड करने से डेसिमल क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है। ये जब 100 से डिवाइड किया तो 0.07 था पॉइंट के बाद 0.07, अब 1000 से डिवाइड हो गया तो 0.07 हो जाएगा। ये 7 जो है वो शिफ्ट किया किधर की ओर, राइट की ओर शिफ्ट किया, ये 0.07 हो गया। कहने का मतलब ये है कि वंस टेंथ 100,000, ये वैल्यू ग्रेटर होते जाते हैं, और टेंथ TENTHS टेंथ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ये वैल्यू स्मॉलर होते जाते हैं। यानी कि 100 से डिवाइड किए तो जितना बड़ा वैल्यू मिला, 1000 से डिवाइड करेंगे तो उससे छोटा वैल्यू मिलेगा। तो इसी के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट्स को करेंगे। वर्कशीट्स में क्या बोला गया है हम लोगों को कि कैसे हम लोग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि कैसे हम लोग किसी भी डेसिमल वाले नंबर को रीड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे रीड करना है। बोला गया रीड द फॉलोइंग डेसिमल्स लाउडली। फर्स्ट ए नंबर में है 5 और डेसिमल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5.3, या दूसरा तरीका है पढ़ने का 5 3/10। ये हम लोग प्रीवियस वर्कशीट में भी इस तरह का देखे थे। बी नंबर 70, इसको क्या पढ़ेंगे, 71.8 या 71 8/10 पढ़ेंगे इसको। सी नंबर 182.135, इसको हम लोग 135 नहीं पढ़ेंगे डेसिमल के बाद, सेपरेटली रीड करना है हम लोगों को, 135 इस तरह रीड करेंगे, 182.135। नाउ और दूसरे तरीके से इसको बोला जा सकता है 182.135 thousandths, ये टेंथ्स प्लेस में हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस में हो गया, ये थाउजेंड्स प्लेस में हो गया, इसलिए 135 thousandths THS। डी नंबर 172.001 पढ़ेंगे इसको, दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं 172.1 thousandths। ये ई नंबर में पढ़ेंगे 1.89839, या इन अदर वर्ड वी मे रीड इट एज 1.839 thousandths। एफ नंबर 91.99 और 91.99 hundredths। जी नंबर 2001.201 और 2001.201 and 201 thousandths। इसको एच नंबर को पढ़ेंगे 100.100 या फिर 100.100 thousandths। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया राइट द नंबर नेम्स, इन नंबर्स के नेम्स लिखने हैं। तो ए नंबर में है 63.85, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 63 and 85 10 10th है ये 100 100 हो गया 100। नेक्स्ट है 15.72, इसको लिखेंगे हम लोग 15 and 72 hundredths।
हंड्रेड्स। नेक्स्ट है सी नंबर 11.07, इसको हम लोग लिखेंगे 11 एंड 7 टेंथ्स, हंड्रेड्स लिखेंगे यहाँ पर भी, टू डिजिट है तो हंड्रेड्स हो जाएगा, हंड्रेड्स। नेक्स्ट वन डी नंबर 9.24, तो ये हो जाएगा 9 एंड 24 हंड्रेड्स, अगेन हंड्रेड्स हो जाएगा ये भी। 45.05 क्या हो जाएगा, 45 एंड 5 10 हंड्रेड्स, यहाँ भी टू डिजिट है तो यहाँ भी हंड्रेड्स हो जाएगा, टेंथ्स नहीं होगा कहीं इस वर्कशीट में, प्रीवियस वर्कशीट में था टेंथ्स वाला। एफ नंबर 987.62 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 987 एंड 62 हंड्रेड्स। नेक्स्ट नंबर जी नंबर 125.09, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 125 एंड 900s, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, हंड्रेड्स स्मॉलर वैल्यू होता है, डेसिमल के बाद टू डिजिट जो होता है उसको हंड्रेड्स बोलते हैं, और थाउजेंड्स बोलते हैं, और हंड्रेड्स बोलते हैं डेसिमल के लेफ्ट की तरफ सेकेंड वाला जो, थर्ड वाला जो नंबर आता है, थर्ड वाला जो डिजिट आता है, वंस टेंस हंड्रेड, उसको हंड्रेड्स बोलते हैं। अब एच नंबर 100.97 है, इसको 100 एंड 97 हंड्रेड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज आई नंबर 85 हंड्रेड्स, ये हो जाएगा आई नंबर का। जे नंबर 9.782 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 9 एंड लिखेंगे 9 एंड 782 थाउजेंड, यहाँ पर थाउजेंड्स हो जाएगा। थाउजेंड्स क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3, थ्री डिजिट के लिए हो जाता है थाउजेंड्स। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर भी होगा 15 एंड 600 74 थाउजेंड्स, थ्री डिजिट होने पर थाउजेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन ये हो जाएगा 67 एंड 5000s। नेक्स्ट एम नंबर हो जाएगा 768 एंड 135 थाउजेंड, वेरी इजी।
नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, राइट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है। ए नंबर में 57 एंड 700, तो वेरी इजीली वी कैन राइट 57 लिख देना है, और 700 है, 700 के प्लेस में यानी डेसिमल के बाद टू डिजिट होना चाहिए, तो फर्स्ट में कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, दूसरे में सेवन होगा, तब जाके ये हो जाएगा 700। अगर 710 बोला जाता तो 57.7 लिखते हैं, क्योंकि 700 बोला गया है इसलिए 0.07 लिखना है हम लोग को। नेक्स्ट है 60 एंड 100, तो 60 लिख देंगे पहले, एंड 100 के प्लेस पर 1 है, तो 100 के प्लेस पर 1 है, उससे पहले 0 देना पड़ेगा, तो 01 हो जाएगा। सी नंबर 24 एंड 1200, 24 लिखेंगे एंड 1200, 12 टू डिजिट का है तो ये 12 लिख सकते हैं हम लोग, 1200। नाउ डी नंबर 76 एंड 500, तो 76 लिख देंगे और 100 500 से, तो 05 लिखेंगे। ई नंबर 2 एंड 476,000, 2 एंड मीन्स डेसिमल, 2 एंड 476,000 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है, तो 476,000 हो गया। एप नंबर 4 एंड 6700, तो 4 एंड 4 पॉइंट हो जाएगा, 6700, तो 4.67 हो जाएगा इसका आंसर। जी नंबर 32 एंड 54,000, 32 एंड 54,000, तो 54,000 बोला गया, तो 54 नहीं लिखेंगे, 0 पहले लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तब थाउजेंड्स होगा, क्योंकि थाउजेंड्स के लिए 3 डिजिट होना चाहिए। नाउ एच नंबर 5672 पहले लिख लेंगे, एंड जहां बोला डेसिमल दे देंगे, 478,000, तो 478 3 डिजिट का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का एच नंबर का 5672, एंड के लिए डेसिमल 478,000, तो 478 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया राइट द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों का यहाँ डेसिमल्स गिवन है, डेसिमल्स का होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट बताना है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट किसको बोलते हैं, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स है वो होल नंबर पार्ट्स होते हैं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो डेसिमल नंबर पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ए नंबर में हम लोगों का 75.231, तो इस 75 इसमें हो जाएगा होल नंबर पार्ट में, और डेसिमल पार्ट में 231 हो जाएगा। उसी तरह बी नंबर में 2.537 है, तो 2 यहाँ होगा, 537 यहाँ पर होगा। सी नंबर में 9.27 है, तो 9 यहाँ हो जाएगा, 27 यहाँ पर हो जाएगा। डी नंबर 125.32, तो 125 यहाँ पर हो जाएगा, 32 यहाँ पर होगा। ई नंबर 62.104 है, तो यहाँ 62 हो जाएगा और 104 यहाँ पर होगा। एफ नंबर 0.43 में 0 यहाँ पर होगा, 43 यहाँ पर हो जाएगा, और जी नंबर में 41.041 इस होल नंबर पार्ट में होगा, और डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं बचेगा, 0 लिखेंगे हम लोग। दैट्स ऑल, वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इन नेक्स्ट अदर वीडियोज। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग अदर वीडियोज ऑफ माई चैनल।